खैर ये जो दृश्य है ये कोई चुनावी दृश्य नहीं है, किसी की जीत की खुशी नहीं मनाई जा रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि वहीं पर जब से MIM के भिवंडी शहर के अध्यक्ष के रूप में खालिद गुड्डू को नियुक्त किया गया है, पार्टी को बढ़ाने के लिए लोग पार्टी में आए दिन प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो हम आपको दृश्य दर्शा रहे भिवंडी के समत नगर खालिद गुड्डू के निवास साधन की, जहाँ पर आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में जो युवाएं हैं आज MIM को मजबूत करने के लिए पार्टी में शामिल होते हुए नजर आए। विशेष तौर पर आपको बता दें कि वहां पर लोगों को मिठाइयां खिलाई गई, आतिशबाजी की गई, ढोल ताशे के साथ में वहां पर हम आपको बता दें कि एक चुनावी मंजर जो रहता है वो सारी चीज़ जो है वहां पर देखने को मिली। आप देख सकते हैं कि लोगों का एक प्रेम, एक उत्साह जो खालिद गुड्डू के ऊपर और MIM पार्टी के ऊपर देखने को मिल रहा है, वाकई कहीं ना कहीं आने वाले नगर सेवक के चुनाव का हम कह सकते हैं कि एक चेतावनी भरा शब्द दिखाई दे रहा है। विशेष तौर पर आपको बता दें कि वहां पर आए हुए कार्यकर्ताओं ने मोहम्मद खालिद गुड्डू को अपने कंधे पर उठाकर ढोल ताशे के साथ में नाचते गाते बजाते हुए खुशियां मनाते हुए नजर आए। विशेष तौर पर आपको बता दें कि मोहम्मद आलम मुनीर फारूकी जिन्हें वार्ड नंबर 7 का वार्ड अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो वहीं पर सारिफ मिट्टू शेख इन्हें वार्ड नंबर 8 के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, तो वहीं पर अली मोहम्मद हुसैन इन्हें वार्ड नंबर 9 के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जहां पर उन सभी लोगों ने खालिद गुड्डू का आभार प्रकट किया। और हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए खालिद गुड्डू ने अपने वक्तव्य में आने वाले नगर सेवक के चुनाव को लेकर क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट को। नहीं, इंशाल्लाह खालिद भाई का जो विश्वास है वो टूटने नहीं देंगे, और जहाँ भी जैसे भी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम उनके साथ रहेंगे और इससे भी ज़्यादा तादाद में आके उनके साथ में देंगे। और जो कॉरपोरेशन का जो मसला है, दुनिया भर का जो घर पट्टी नल पट्टी वैसे मसले है, इंशाल्लाह गुड्डू भाई के साथ में मिलकर हम लोग उसको ख़त्म करेंगे। और जो कचरा पट्टी वगैरह का भी मामला बहुत सारा आ रहा है, तो उसके लिए भी भाई से बात हुई है, इंशाल्लाह हम लोग वो काम करेंगे। पार्टी हमें बहुत अच्छी लगी, इनका काम अच्छा लगा, और खालिद गुड्डू साहब हमारे वार्ड के हैं, इन्हें हम कॉरपोरेशन महानगर पालिका का मेयर बनाएंगे हम इन्हें। मैं अली हुसैन से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे गैबी नगर जो एरिया है वहाँ पे पानी की तकलीफ़ें और गटर की गंदगी की वजह से, और वहाँ पे 5 दिन बच्चे जो पाइप में फंस के गिरते रहते हैं, और ये सबसे परेशान हो कि आज हम यहाँ आए कि खालिद गुड्डू भाई साहब के साथ उनके कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और उनके पार्टी में हमेशा उनके साथ रहेंगे। से देखा जाए जो चुनावी माहौल में एक उत्साह और एक जो युवाओं के अंदर प्रेम आपके प्रति दिख रहा था वो आज यहाँ पर फिर से दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखा जाए कोई चुनावी माहौल तो नहीं है, लेकिन पार्टी में जिस तरह से लोग प्रवेश कर रहे हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए, और यहाँ पर जो उत्साह ढोल ताशे के साथ में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मजलिस पार्टी है और MIM के जितने भी चाहने वाले हैं वो एक जवाबदारी लेकर इस पार्टी को ग्राउंड लेवल पे मजबूत करना चाहते हैं। और जब बुनियाद हमारी मजबूत होगी, हमने कहा था कल आपको एक चैनल, आपके चैनल के माध्यम से, कि अभी ये मजलिस की MIM की एक फौज तैयार हो रही है, जब ये फौज तैयार हो जाएगी तो जिस तरीके से यहाँ पर टोरेंट पावर कंपनी हो या महानगर पालिका के काले कारनामे, इनका खात्मा करने के लिए ये फौज सब तैयार हो रही है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इन लोगों को जो है सबक सिखाने का काम करना है। इसलिए जितने भी नौजवान युवा लोग हैं वो पूरी ताकत दे रहे हैं और ताकत के साथ ये मजलिस में शामिल हो रहे हैं। आज हमने आलम फारूकी को ईदगाह से उनको वार्ड नंबर 7 का अध्यक्ष बनाया है, और वार्ड नंबर 8 का शरीफ शेख को वार्ड नंबर 8 समत नगर। तो ये दोनों वार्ड अध्यक्ष की ताकत आप देख लीजिए कि दोनों लोग को वार्ड की जिम्मेदारी दिया है, और इनके साथ एक काफ़ी बड़ी तादाद में टीम जुड़ी हुई है। अभी तो बड़ी पद देना बाकी है, जो इस पूरे शहर की बॉडी होगी, जो पश्चिम विधानसभा की होगी, पूर्व विधानसभा की हमने अध्यक्ष की और कार्य अध्यक्ष की नियुक्ति किया है, काफ़ी तादाद में जो है लोग जुड़ रहे हैं। तो जिस तरीके से मजलिस के ऊपर लोगों ने भरोसा और विश्वास रखा है, इंशाल्लाह मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि जब महानगर पालिका हमारे कब्जे में होगी तो ये शहर आपको नवी मुंबई और मीरा भेंदर जैसा दिखेगा, ऐसा यहाँ की आवाम को मैं भरोसा दिलाता हूँ। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ, तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज़ TV News। धन्यवाद।